31वीं राष्ट्रीय सीनियर कॉर्फबॉल प्रतियोगिता 4 दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य के LSTC विश्वविद्यालय रायसेरी भोपाल में खेली गई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच प्रतिद्वंदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को हरा कर प्रतियोगिता को अपने नाम किया। 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कोर्फबॉल प्रतियोगिता 4 दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य के LHTC विश्वविद्यालय रायसेरी भोपाल में खेली गई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच चिर प्रतिद्वंदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल राज्य के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को हराकर प्रतियोगिता को अपने नाम किया। हिमाचल की टीम ने गोल्ड से हरियाणा को 12-11 होल से पराजित किया। कल दोपहर खेले गए फाइनल मैच में हिमाचल ने पहले टॉस जीतकर शुरू से ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। 25-25 मिनट के खेल में दोनों टीमें 10-10 गोल से बराबर रही। मैच टाई होने से दोनों टीमों को 5-5 मिनट का समय दिया गया। मैच फिर 11-11 गोल से तय हुआ। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश की टीम ने उड़ीसा राज्य की हरियाणा ने मध्य प्रदेश को कांटेदार टक्कर देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पश्चिमी बंगाल ने तेलंगाना और महाराष्ट्र की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में स्थान पक्का किया। सेमीफाइनल मैच के पहले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने पश्चिमी बंगाल की टीम को 13-3 गोल से पराजित कर फाइनल में पहुंचे। दूसरा सेमीफाइनल मैच हरियाणा व महाराष्ट्र के बीच खेला गया। इस मैच में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 1 गोल के अंदर 9-8 से पराजित किया। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में विजेता रही हरियाणा व उपविजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम एक बार फिर से फाइनल मैच में अमन सामने हुई तो सब राज्य के खिलाड़ियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। 1 घंटे तक चले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने 4 वर्ष बाद सीनियर राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में हिमाचल के कप्तान विशाल शर्मा, हरियाणा के रजत को बेस्ट शूटर, हिमाचल के विनोद कुमार को बेस्ट रेफरी का इनाम दिया गया। हिमाचल टीम के कोच एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के शारीरिक शिक्षक देवदत्त शर्मा, टीम मैनेजर एवं राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरबाड़ के TGT आर्ट्स पवन रांगड़ा, महिला विंग सुनीता देवी, रेफरी विनोद कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की टीम एक के बाद एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी खेल प्रतिभा दिखाई है। अखिल भारतीय कोर्फबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव DR सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता में 23 राज्य के 530 खिलाड़ी व अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक ने किया। मेरा नाम KK वर्मा है, मैं सेक्रेटरी जनरल कोर्फबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हूँ और आज हमारा 31st नेशनल चैंपियनशिप जो है वो संपन्न हुई बहुत बढ़िया तरीके से। उसमें फर्स्ट पोजीशन की गोल्ड मेडल है वो हिमाचल को मिला है। पहले तो मैं हिमाचल के हमारे सुमन जी को बधाई देता हूँ और हिमाचल प्लेयर्स को बधाई देता हूँ। सेकेंड हमारी टीम आई है वो हरियाणा आई है और रनर अप 2 है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। अभी लगभग हमारी सीनियर चैंपियनशिप की आगे अभी 2 चैंपियनशिप हमारी जूनियर और सब जूनियर दोनों पेंडिंग वो इसी साल के अंदर और एक ट्रेडिशन का ये तीनों हम कर रहे हैं और अभी उसकी डेवलपमेंट के लिए रेगुलर हमारा जो है इसका कैलेंडर निकाल दिया गया है और क्लियर कर दिया गया है और फेडरेशन कप की डेट अभी बनी हुई नहीं है। फेडरेशन कप की डेट दे देंगे और अभी जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए है कि हर स्टेट की चैंपियनशिप वो भी रेगुलर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट चैंपियनशिप हो उसके बाद नेशनल्स का। इस अवसर पर कोर्फबॉल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज चौहान, महासचिव KK वर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देव भलारिया व अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।